कम से कम मैं जिस वक्त ना जी सानू ये थोड़ा जा शौक होया ना, तो उस वेले हर दौर दे विच नवे लोग आ जाते ने, पुराने चले जाते ने। असी जिस वेले थोड़ी जी साड़ी होश कोई 20 साल की उम्र च आई, तो असी भी मैच मुच देखने शुरू किए, तो उस वेले पाकिस्तान दे विच जिहड़ा जिस तरह के अजकल सानू लोग देखना चाहते ने, उस वेले असी देखना चाहते सी जिन्हां लोगों नू, उस वेले जनाब साडे सरहद दे विच सिकंदर जमां वजीर आला सी, उन्हां दा भाई सी राजा बिशार साहब, राजा सिकंदर जमां वो सरहद दे वजीर आला सी, हुण उहदा भाई सी राजा बिशार साहब। उन्हां नू इतना जनून सी, अमीर आदमी सी बहुत ज्यादा, और वो उस वेले फिर जनाब इत्थे वो सरहद दे वजीर आला फिर टवाणा फैंबी सरगोधे दा, ये भी वजीर आला सी पंजाब दे, इन्हों के भाई थी अनवर मलिक अनवर अली टवाणा साहब, फिर नजीर लगारी साहब, तो बहुत सारे लोग जेडे पंजाब से जिन्हों अला यार सुखे जी तो सी, बहुत बहुत लोग सी बहु अहम दीन सरगोधे तो सी, बहुत ज्यादा लोग, फिर नवाब अमानुल्ला सियाल साहब इन्होंने वालद साहब से, नवाब अजीज सियाल साहब, ये साढ़े तो बहुत पुराने शौक होंगे, इनकी हिस्ट्री तो नहीं मैं दस सकता कि यह शौक कदों शुरू होया, लेकिन ये साढ़े अजकल एक रिट चल रही है, फरियाल गौहर ने रिट की है, उस दसिया कि अंग्रेज ने 1800 किन्ने दे विच कानून बनाया सी। अच्छा, उस फरियाल गौहर से एक शाहीन नामी औरत उन्होंने रिट की, तो उस वेले अंग्रेज दौर सी, ब्रिटिश की हुकूमत सी, तो उस वेले उन्होंने इजाजत दे दी, हुण मुसलमाना की हुकूमत है, तो इस करके ये बैन लाया जाए, तो कानून बदल नहीं सकता जिनी देर जी है असेंबली पास ना करे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन बदल नहीं सकता, तो वह तो रेट की, लेकिन उनकी तारीखा पै रही हैं, लेकिन सानू नहीं पता वो सिलसिला कितने तक चलेगा या कितने तक नहीं चलेगा। ये बहुत ज्यादा जिस वेले लोग अच्छे शौक च आए, तो वो पाकिस्तान इधर बड़े पंजाब च, तो जेडे माड़े लोग सी होना माल डंगर का शौकीन, कम से कम ये जिम्मेदार तुसी ये सुनिया भी होगा कि 4 साल ना मझ बनती है, इसे तरह बिल्कुल बिल्कुल, मझ अगर अच्छी हो ना तो वो कीमत जी है ना मझ की, तो 3-4 लाख रुपए की अच्छी मझ आती है, ज्यादा तो ज्यादा, अगर कुत्ता को अच्छा बन जाए तो 2 साल के 10 लाख कीमत हो जाती है, गरीब बंदे वास्ते बहुत फायदेमंद सी। लोगों ने जनाब असी देखा अपने दौर च कि एक जिले के विच एक कुत्ता नहीं सी लभदा, अज एक ढारी से 10 कुत्ते बजे हुए थे। फिर जिस वेले इन्होंने बैन शैन कोई नहीं लाया, जिस वेले धमाके शमाके हुए ने, हालात खराब हुए ने अफगानिस्तान की वार दे नाल, ते उस वेले गैदरिंग से उन्होंने पाबंदी लाई है कि जिथे गैदरिंग होंगी उसे धमाके होंगे, तो कानून साजी कोई नहीं की थी कि बैन लगा है, बैन अजे भी कोई नहीं लगा है, हुण इहदा हल यह निकलेगा जिथे पाबंदी लग गई उथे पुलिस का खान का जरिया बन जाता, सीधी गल हुण पुलिस उन्होंने पासे जो पैसे लै लैंदी है मैच करा लैंदी है, हालांकि यही गवर्नमेंट अगर चाहे साडे जिहड़ियां क्लबां ने या साडे ग्रुप ने उन्हूं रजिस्टर्ड करन, वो टैक्स भी कटा हो सकता, फिर गवर्नमेंट नूं पैसे मिल सकते हैं, फिर मैच कराने से अगर 50,000 रुपये भी कह दें कि असीं 50,000 रुपये दे टैक्स रखते हैं, तो ग्रुप इदां दा 50,000 रुपये भी दे सकते हैं, और इन्हां नूं फायदा इहदे च बड़ा हो सकता। हाँ, गरीब आदमी रोजगार सी, सस्ती तो फ्री सी, जिहड़ी इहदी हिस्ट्री यह है कि जिहड़े लोकल लोग सी इन्होंने माल लंगर रखा सी, दरियावां ते बैठे सी, नाल ते राखी करदे सी, जिस वेले कोई मेला शेला हुंदा सी तो उस वेले इन्हां नूं लड़ा लैंदे सी, उन्हां दे सस्ती ते फ्री सी, लेकिन जिस वेले विच इहदे च अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आए, फिर उन्होंने इस शौक की शेप भी बदल दित्ती, इहदे कानून साजी भी कर दित्ती, ते लोगों की दिलचस्पी बड़ी उस वेले जिस वेले विकनी शुरू हो गए, अच्छे खासे पैसे मिलते सी। फिर सब तो ज्यादा अमल दखल जिहड़ा आया अमीरपुर के जेडे लोग सी आजाद कश्मीर दे, ये बड़े शामिल होए दे, इन्हां को पैसे बहुत ज्यादा सी, इन्होंने ऐन रोक किया, तो पैसे ही पैसे लोगों लोग है, समझ नहीं, इन्हों तो पहले भी कवेत जा कवेत शुरू होया, तो बहुत कुत्ते कवेत गए ने, असीं बजादे खुद कवेत कुत्ते बहुत भेजे ने, कुत्ते कवेत लड़ते रहे ने कुत्ते, समझ, तो जुआ बिल्कुल नहीं, जी गवर्नमेंट सिर्फ सिवाए इन्हों पैसे खान तो हो कोई काम नहीं।
ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਤੇ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ 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 ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੇ ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ